दिस इज रियली अमेजिंग. व्हाट कैन आई से, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट. और ख़ास करके तब सिंगल लाइफ बेस्ट है जब अपने आप से आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेते हो कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया घूमना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ थोड़ा सा फ्रेश होकर के. निकलना है, आज पहला दिन है तो तैयार होकर फटाफट निकलना है एक जगह को शूट करने के लिए और घूमने के लिए. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एवर जब मैं घर से बाहर निकला हूँ किसी टूर और ट्रिप में, तो फटाफट मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं. सो रेडी हो गया, सारे कुछ डाल दिया जो भी एसेंशियल है, जैकेट टोपी. अभी निकलते हैं हम लोग, रास्ते में बात करता हूँ आपसे. मास्क लगा लिया हूँ, होटल से अपने निकल रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टे किया था. तो पीछे के होटल पे मैं अभी ठहर रहा हूँ. अभी नहीं पता मेरे को कि मैं इस ट्रिप को कितने दिनों के लिए एक्सटेंड करूँगा, कितने दिन मैं यहाँ पे रहूँगा. बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया ही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखना है, जाननी है चीज़ों के बारे में. वैसे आप यहाँ पे पैकेज ले करके आ सकते हैं, सिर्फ आपका घूमना मोटो हो तो. मैं तो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ लेने के लिए आया हूँ. तो गाइस, अब मैं बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ. मैं एक्चुअली जा रहा हूँ पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल. अब यह है मार्केट यहाँ का, जो अभी आप पीछे से क्राउड देखोगे. तो रीज़न है कि मैं पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल क्यों जा रहा हूँ. दार्जिलिंग आया हूँ तो चाय के बगानों में जाना चाहिए. तो सबसे पहली ये बात है कि जो सबसे एसेबल है इस जगह से, सबसे सामने प्लेस है घूमने के लिए, मैं पहले उसको कवर कर लूँ. काफ़ी कुछ सुन चुका हूँ पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल के बारे में. एक स्टोरी इसके पीछे ये भी है, इस जगह पे मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, कि इस चीज़ को बनवाया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में बम ब्लास्ट होने के बाद पूरे विश्व में हारमोनी को सेट करने के लिए, मानवता को सेट करने के लिए. और सबके दिलों में शांति स्थापित करने के लिए एक पीसफुल सैम्बुल बनाया गया जिसको हम पीस पगोड़ा कहते हैं. पीस का मतलब शांति और पगोड़ा का मतलब वो छत जहाँ पे सब एक साथ मिलकर के शांति के लिए प्रार्थना करें. तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे लेकर के चलता हूँ. मौसम तो यहाँ का बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है बर्फबारी भी हो जाए कुछ दिनों में. मैं एनबीसिंग रोड होते हुए, लारेन एनबीसिंग रोड होते हुए पीस पगोड़ा जा रहा हूँ, जो गूगल मैप बता रही है. खैर अभी मैं भी मैंने लोगों से पूछा है तो दो रास्ते मेरे को बताए गए, बट मैं दो रास्तों में से इस रास्ते को पकड़ा हूँ. ओह, काफ़ी चढ़ाई है इधर. ये कुछ सामने से शॉर्टकट है, सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, इतना चढ़ना पड़ेगा. मेरे मुंह से आपको भाव दिख रही होगी, अभी आप समझ पा रहे होंगे कि वाकई में ठंड है यहाँ. कुड यू बिलीव कि मेरे हाथ सील हो चुके हैं ठंड से. सो एक लोकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते से जब आप गुजरोगे तो आपको एक घंटा घर मिलेगा, बट अगर आप बस स्टैंड में रुके हो और उस रास्ते से जा रहे हो तो आपको घंटा घर मिलेगा. सो ये रहा घंटा घर, देख रहे हैं आप. देखा आपने, ह्यूमन राइट्स को लेकर के इधर कुछ मैसेज लिखे गए थे. बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ. अवेयरनेस होना भी चाहिए, लोगों को मानना भी चाहिए. अभी मैं गुजर रहा हूँ घंटाघर से, देखिए घंटाघर सामने से. तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और कोई चीटिंग नहीं.
सबसे बड़ी बात ये लगी कि कोई भी चीटिंग नहीं, दूसरी जगह पे आप जाते हो तो बहुत सारे चीटिंग करते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, आपको बरगला देंगे कि ऐसे जाना है वैसे जाना है, बट दे आर एक्चुअल। अभी भी इस जगह से 20 मिनट लेट होगा अगर आप पैदल जा रहे हैं तो, बाकी अगर आप व्हीकल्स लेंगे तो वो आपको जल्दी पहुंचा देंगे। यह है गांधी रोड, ये रास्ते गाइस, पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा है। आप उतनी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते अगर आप किसी भी तरह के व्हीकल्स लेते हैं, बट डेफिनेटली पैदल घूमने का जो एक्सपीरियंस होता है इट्स अमेजिंग, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे चीज़ों के बारे में रूबरू हो जाओगे। तो ये रास्ते देख रहे हैं, सर्किट हाउस दार्जिलिंग नहीं जाना है, आपको इधर मुड़ना है, दिस वे। तो इस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं रॉन्ग रूट से जा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे जिधर से जानी चाहिए उधर से जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बिजी रोड है, सिंगल वे की तरह है इसी वजह से। खैर अब मैं हो सकता हूँ, राइट, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। हिल स्टेशन तो हमें, हिल स्टेशन तो मेरा बहुत पहले से ही शौक रहा था कि मैं घूमूं उधर, पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ कि आप भी विजिट कीजिए। मेरे ये तो ज़्यादा दिन नहीं हुई है, बट मैंने कल शाम को कुछ फ्रेंड्स बनाए थे और उन फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस में मैं अभी तक बहुत कुछ जान पाया हूँ। इवन कल मैं 2-3 जगह घूमने के लिए भी गया था, बट सिर्फ घूमने के पर्पज़ से गया था, तो हो सकता है मैं उनकी वीडियोज़ बनाऊँ। आप प्लीज़ गाइस देखना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे इस चैनल को, बिकॉज आप सोच भी नहीं सकते ऐसी क्रिएटिविटी मैं आपको इस वीडियो में दिखा सकता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ दिखा सकता हूँ। तो इस जगह से दो रास्ते जाते हैं, एक जाती है राइट की ओर और एक जाती है लेफ्ट की ओर, जहाँ आपको दिख जाएगी बोर्ड में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है दार्जिलिंग पीस पगोड़ा, और जहाँ बोर्ड है उस जगह पे ही एक वीला एवरेस्ट करके होटल है। यहाँ के सबसे प्यारी चीज़ यहाँ का घर लगता है देख करके, वो ढलान में घर हो, वैसे यहाँ का ठंड की अंदाज़ा आपको मेरे मुंह से निकलते हुए भाप से पता चल जाएगी, लुक एट दैट। तो इस जगह से मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम पीस पगोड़ा और दार्जिलिंग का बुद्धिस्ट जापानीज टेम्पल जाएंगे। जस्ट अ मिनट, देख रहे हैं आप पाइन ट्रीज है, ये चारों तरफ से पाइन ट्रीज से घिरा हुआ ये जगह, वो ट्रूली अमेजिंग। ये पाइन ट्रीज, मुझे नहीं पता कि आयुर्वेद के मुकाबले से, आयुर्वेद के हिसाब से ये कितना शुद्ध पेड़ है, कितना शुद्ध वृक्ष है, या कितना उपयोगी है, बट आँखों को ये सुकून देता है डेफिनेटली। यार मतलब आई एम मिसिंग समवन एल्स, अगर मेरे पास कोई एक होता अभी इस वक्त, फोटोग्राफी करवाता मैं उससे। वेरी इट्स वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो दिस इज रियली अमेजिंग। अकेला सफ़र आज बहुत खुश किस्मत हूँ खुद से ये बोलने में कि मैं सिंगल हूँ, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट, और ख़ास करके तब सिंगल लाइफ बेस्ट है जब अपने आप से आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेते हो कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया घूमना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ओह माय गॉड, रियली ट्रू अमेजिंग फीलिंग गाइस। खैर आप जितने भी लोग मुझे प्यार करते हो आपके लिए दिल से धन्यवाद, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा ये सोच करके मैं घर से निकला हूँ, और सिर्फ घूम नहीं रहा हूँ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी होगा
आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। मैं सबको देता हूँ रिप्लाई और मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो गाइज, यू कैन मैसेज मी, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जहाँ तक पता होगा इन जगहों के बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी इधर मेरे को 4 से 5 दिन रहने का प्रोग्राम है। मैंने ऐसा कुछ भी प्रोग्राम सेट नहीं किया है कि मैं इधर कोई एजेंट के थ्रू आया हूँ और कम समय बिताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप मुझे उधर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। खैर, आपको पता है मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाऊँ, पर रास्ते भी इतने खूबसूरत हैं कि मैं इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। बॉस इंस्टीट्यूट इधर से है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं इधर आने के बाद। मतलब एक नेचुरल बैकग्राउंड आपको इधर मिलेगा खूबसूरती के साथ। अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग शूट गाइज, यू मस्ट विजिट हियर, आई वुड रिकमेंड यू। मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ कि मैं ना देखूँ, मुझे मन कर रहा है कि और मैं ज़्यादा देखूँ, इसकी वजह से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आप नहीं देखो तो कोई नहीं, पर मैं देखूँ इसे इन माई फ्यूचर की। मैंने कभी दार्जिलिंग होकर के आया था, हाँ बादल छाए हैं जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, जैसे टॉप व्यू से नीचे के दृश्य। बट वाकई जितना भी दिख रहा है, इट्स ट्रूली अमेजिंग। एक और लैंडमार्क्स यह है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, लाल कोठी के नाम से जानी जाती है ये। कहीं आप रास्तों में भटक ना जाओ, और अगर ये फर्स्ट टाइम होगा आपका तो मैंने आपको ये दिखाया है। सो फाइनली हम बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच चुके हैं, ये रहा इसका तोरण द्वार, मेन गेट। बहुत ही खूबसूरत एहसास हो रहा है इस वक्त इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद। आप बने रहिए, मैं आपको इस बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में आपको कुछ जानकारी ज़रूर दूंगा। ये आपका ये जो अभी यहाँ पर आप जो जिस जगह में ठहरा है ना, ये आपका जापानी टेम्पल है। ओके। और ये पीस पगोड़ा। अच्छा। ये दोनों जापानी टेम्पल पीस पगोड़ा ये यहाँ का दार्जिलिंग का फेमस है। ओके, ओके। और यहाँ पर आप अभी भी जापान का वो मंक लोग रहते हैं, वो लोग